एंड वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम फ्रॉम ब्यूटीफुल ताइवान। जी हाँ, मैं ताइवान में हूँ और वहीं से आज वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं लास्ट टाइम जब वियतनाम में थी तब भी मैंने बोला था कि मैं वियतनाम शिफ्ट हुई थी। तो फ्रेंड्स, देयर इज़ अ लाइफ अपडेट ऑल्सो, मैं अभी ताइवान में शिफ्ट हुई हूँ एज आई वर्क हियर। तो मेरा गार्डन भी आपको देखने के लिए मिलेगा, मेरा जो इंडिया वाला गार्डन, लेकिन आपको ताइवान में मैं अपना जो अपार्टमेंट है वहाँ पर मैं प्लान्स वगैरह कैसे सेटअप करती हूँ वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड आज मैंने सोचा कि एवरीडे सोचती हूँ वीडियो डालूंगी, लेकिन इतना ज़्यादा बिजी जा रही थी, डाल नहीं पा रही थी। आज मैं अपना जो इंस्टीट्यूशन है जहाँ मैं पढ़ाती हूँ, जहाँ मैं वेयर आई टीच, वहाँ में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, बहुत सुंदर सुंदर प्लांट्स है, वहीं से आज ये फिर से वीडियो का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही एक बड़ा सा गुड़हल का प्लांट है और इसका कलर मुझे हमेशा बहुत पसंद आता है फ्रेंड्स। तो जो प्लांट्स आप लोगों को इंडिया में मिलता है वो ताइवान में भी मिल जाता है, क्योंकि ये भी ट्रॉपिकल कंट्री है। तो लैंटाना देखिए, आपको शायद याद होगा एक ताइवान के ट्रैवल के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, वहाँ पर मैंने आपको लैंटानास बहुत दिखाए थे। मेरे यहाँ पर बहुत ज़्यादा, मेरे ये जो इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा लैंटाना है एंड बहुत ज़्यादा ग्रीन एक एम्बियंस है। चारों तरफ पहाड़ है, बीच में बहुत सारे बिल्डिंग्स है, जो क्लासरूम्स वगैरह है एंड गार्डन बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। अभी एक्चुअली लंच पीरियड चल रहा है तो मैं जल्दी जल्दी अपना मैंने कैमरा उठाया, मैंने सोचा कि व्हाई डोंट आई जस्ट टेक सम रिकॉर्डिंग्स। तो एक दिन डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, आज सिर्फ एक बार देख लीजिए। एंड मैं एक्चुअली वीडियो कम लेकिन एक एपोलॉजी ज़्यादा मांगना चाह रही थी, बिकॉज मैंने इतना दिन वीडियो नहीं डाला। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर प्लांट्स को अच्छे से शेप वगैरह भी देके रखे हैं, क्योंकि माली वगैरह ऑब्वियसली है, लेकिन द वे दे मेंटेन आई रियली लाइक इट। बहुत ज़्यादा भी नहीं रखा है, बहुत कम भी नहीं रखा है। आपको फाइकास मिलेगा, मिनी चांदनी मिलेगा और एक जोड़ा बहुत सारे कलर्स में मिलेगा, और मैंने देखा है पेंटस, जो अभी मैं आगे दिखाऊंगी आपको, पेंटस मिलेगा। अभी यहाँ पर टेम्परेचर अराउंड 31-32 डिग्री होकर रखा है, तो काफ़ी गर्मी है, लेकिन हाई ह्यूमिडिटी, जो इट्स क्वाइट सिमिलर टू माई गुवाहाटी प्लेस। तो ये देखिए ऐसे लग रहा है, बहुत फ्रेश लग रहा है मुझे, और मैंने सोचा ये फ्रेशनेस, ये ब्यूटी एंड ये ग्रीनरी एंड ये कलरफुल फ्लावर के साथ मैं फिर से अपना जो वीडियो डालने का जो सिलसिला है वो स्टार्ट करूँगी। तो रिलोकेशन बहुत एक दिक्कत होता है, जब मैं वियतनाम में रिलोकेट हुई थी फ्रेंड्स, तब भी बहुत दिन में वीडियो नहीं डाल पाई थी। और ये देखिए, ये पेंटस एंड सदाबहार जो हाइब्रिड वेराइटी एक साथ है यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं जैसे अपने गार्डन में रखती हूँ सब मिक्स एंड मैच करके, यहाँ पर भी लोग मिक्स एंड मैच करके लगाना पसंद करते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रॉपिकल गार्डनिंग। तो यहाँ पर आपको एक साथ बहुत सारे प्लांट्स मिलेंगे, बीच बीच में कुछ क्रोटन्स भी है। और तो मैं वही अपना गार्डन को थोड़ा एक ऐसे रख के आई हूँ ताकि मेरे फैमिली मेम्बर्स अच्छे से पानी वगैरह दे के टेक केयर ऑफ इट, और फिर वहाँ का वीडियो भी आपको मिलेगा। लेकिन अभी मैं ताइवान में, मैं अपने अपार्टमेंट में, मैं धीरे धीरे अपना एक प्लांट कलेक्शन क्रिएट करूँगी। तो अभी इतना दिन आपको आउटडोर गार्डन ज़्यादा मिल रहा था, अभी आपको इनडोर गार्डन या बेल्कोनी गार्डन भी देखने के लिए मिलेगा। ताइवान में प्लांट्स के प्राइस वगैरह कैसे हैं वो भी मिलेगा देखने के लिए, क्योंकि आज शाम को या कल सुबह मैं सोच रही हूँ मैं एक छोटा सा प्लांट शॉपिंग करूँगी, बिकॉज मेरा घर सुना सुना लग रहा है विदाउट प्लांट्स। और ये देखिए बेगोनियास, पूरा धूप में है लेकिन क्योंकि ज़मीन पे लगे हुए हैं बहुत अच्छे से ब्लूम हो रहे हैं। हम लोग के यहाँ इंडिया में विंटर में ये बेगोनियास ब्लूम होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी सेम क्लाइमेट है गुवाहाटी जैसा, लेकिन ज़मीन पे है एंड ऊपर बड़ा सा प्लांट का छाव है। और पेंटास देखिए, अभी तक मैंने तीन कलर दिखाया शायद, लाइट पिंक, ये जो रानी पिंक बोलते हैं वो, एंड वाइट। पेंटस ज़मीन पे लगाने से फ्रेंड्स इतना सुंदर हो जाते हैं, एंड आपको पता है मुझे पेंटस बहुत पसंद है। अब तक मुझे यहाँ पर मैंने कोई नर्सरी विजिट नहीं किया है, हालांकि रास्ते में मुझे बहुत छोटे छोटे नर्सरीज मिलते हैं, लेकिन मुझे एकदम टाइम नहीं मिलता है। मंडे टू फ्राइडे मुझे 7-8 AM से 5 PM तक काम करना पड़ता है, उसके बाद घर आते आते बहुत ज़्यादा देर हो जाता है। तो एक बार मेरा ये बिल्डिंग वगैरह भी थोड़ा देख लीजिए, देखिए ऐसे इतना ग्रीनरी है यहाँ पर, और देखिए क्लाउड देख पा रहे हैं, अभी बारिश होने वाली है। और ये अपराजिता जो हम लोग बहुत शुभ मानते हैं, यहाँ पर अपराजिता मैंने वाइट एंड ब्लू दो कलर में ही देखा है। तो ऐसे ही मैंने सोचा एक झलक दिखा देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत गिल्ट फीलिंग हो रहा था कि आप लोग मुझे पूछ रहे हैं। और फ्रेंड्स एक बात है, जो भी मेरे साथ आप लोगों में से जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ व्हाट्सएप में जुड़े हुए थे, मेरा व्हाट्सएप का नंबर चेंज हो गया है, इंडिया वाला नंबर नहीं है। आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम में एक बार DM कर दीजिए, तो आपको मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगी। और देखिए ये तितली अभी उड़ गई है, और ये वाइट पेंटा है, कितना बड़ा है, कितना ज़्यादा बुशी है, अपराजिता के साथ एकदम मिला हुआ है। तो आप मुझे बोलिएगा कि ये छोटा सा कलरफुल फ्लावर वाला वीडियो कैसा लगा।
ताइवान का फ्लावर है और ताइवान का मौसम है, लेकिन मैं जहाँ जैसे इंडिया में अपना गार्डन क्रिएट किया था, मैं चाहती हूँ यहाँ पर भी मैं अपना गार्डन क्रिएट करूँगी। एंड आई जस्ट होप कि आई विल गेट ऑल ऑफ़ योर सपोर्ट। सो कल आई थिंक एक शॉपिंग वीडियो आएगा इफ़ आई गेट टाइम। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। बाय बाय, टेक केयर।